अब ये है हमारा चैप्टर 10, लॉ एंड सोशल जस्टिस। अब हम इसको पढ़ते हैं, पहले हम इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ शर्ट फ्रॉम योर क्लास 7 बुक? वी सॉ देयर दैट अ चेन ऑफ मार्केट लिंक्ड द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपर मार्केट। बाइंग एंड सेलिंग वॉज टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है कि आपने इस क्लास 7 में कोई एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था स्टोरी ऑफ अ शर्ट, मतलब जो शर्ट है वो कहाँ से तैयार होती है, जो आपके फील्ड होते हैं, जो खेत होते हैं, वहां पे कॉटन ग्रो होता है, फिर कॉटन जो है वो दूसरे के पास जाता है, वहां से निकाला जाता है, फार्मर्स उसको बेचते हैं एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को, फिर इंडस्ट्रीज उसको धागा बनाती है, फिर उसको इसकी वीविंग की जाती है, फिर उसको कलर किया जाता है, फिर जाके वो कंज्यूमर जो है कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये पूरा एक चेन है, हर स्टेप पे एक चेन बना हुआ है कि फार्मर है, फार्मर ने जो है किसी और को दिया, उसने खरीदा, फिर वो कंपनी तक गया, है ना। इस तरह से पूरी एक चेन बनी रहती है। तो मतलब हर स्टेप पे जो है सामान का बाइंग होता है और सेलिंग होता है। बाइंग सेलिंग मतलब खरीदना और बेचना। फार्मर ने बेचा, जो आपके ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उसका वो बनाया, धागा बनाया, जो भी बनाया, फिर उसको आगे ट्रांसफर कर, इस तरह से पूरा एक चेन चलता रहता है, ठीक है। मैनी ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट, द स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन, द वीवर्स ऑफ इरोड और द वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री फेस्ड एक्सप्लॉटेशन और एंड इन अनफेयर सिचुएशन इन द मार्केट। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो है बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो शर्ट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो वीवर हो, चाहे वो आपका बुनाई करने वाला हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो जहाँ पे कपड़े को डिजाइन किया जाता है, फिर उसको सिला जाता है, फिर उसको डाई किया जाता है, कलर किया जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है, फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो मतलब कोई भी चीज जब बनती है, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब निर्माण कार्य होता है, तो ये शर्ट था। बाकी आप कार ले लें, चाहे आप ट्रैक्टर ले लें, चाहे आप हेलीकॉप्टर ले लें, जो भी चीज मार्केट में बनती है, ब्रेड ले लें, बिस्किट ले लें, तो उसके पीछे कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। तो एक तरफ होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स जो चीजों को बनाते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं प्रोड्यूसर्स में, ठीक है। और फिर ये फाइनली कहाँ तक पहुंचता है, हम लोगों तक जो उसे कंज्यूम करते हैं, दैट इज कंज्यूमर्स, ठीक है। तो अभी हम इनकी बात करेंगे, वो है प्रोड्यूसर्स जो किसी भी चीज को बनाने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नाउ टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉटेशन द गवर्नमेंट मेक सर्टेन लॉज। These laws try to ensure that the unfair practices are kept at minimum in the market. ठीक है, तो जो लोग भी चीजें बनाते हैं, ठीक है, जो मजदूर होते हैं, जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लेबर्स होते हैं, जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं ना, तो यही लोग तो होते हैं जो चीजों को बनाते हैं। तो इनके साथ कोई गलत चीजें ना हो, जैसे उनको कम तनख्वाह ना मिले, उनसे ज्यादा काम ना करवाया जाए, या उनसे गलत जो है कंडीशंस में काम ना करवाया जाए, तो ये सारी ही चीजें जो है ये गवर्नमेंट जो है बहुत ही केयरफुली वॉच करती है। और इनफैक्ट सिर्फ वॉच ही नहीं करती है, इनके लिए प्रॉपर कानून बनाया गया है, ठीक है, ताकि जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं मार्केट में, जिससे जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका एक्सप्लॉटेशन होता है, उनको रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। तो वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लॉ एंड सोशल जस्टिस, कानून और जो समाज में न्याय जो आपकी प्रक्रिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो मार्केट में लोग सामान बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको हम किस तरह से गलत चीजों से, उनका एक्सप्लॉटेशन होने से बचा सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोई हम बाहर का देखें, हम अपने घर के अगर एग्जांपल दें, बहुत ही मतलब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि सपोज आपके घर में कोई मेड आती काम करने के लिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसने मतलब जो कॉमन जो आपका मान लो उसका एक महीने का पेमेंट होता है वो होता है 5,000 मान लो, ठीक है। 5,000 उसकी सैलरी बन रही है एक मंथ की, वो आपके घर में खाना बना रही है, जो भी झाड़ू पोछा कर रही है, जो भी कर रही है, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया, क्योंकि वो बहुत गरीब है, उसको लगा उसको बहुत जरूरत है, तो आपने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम आपको 5,000 ही देंगे, हम आपको 3,000 रुपए देंगे सिर्फ, आपको करना है तो करो, आपको नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर उसके पास ज्यादा काम होगा तो आपका काम, आपकी जो बात है वो नहीं मानेगी, ठीक है। और अगर उसके पास काम नहीं है, वो उसको जरूरत है, वो नीली है, तब वो क्या करेगी, वो बेचारी, उसको पता है कि मतलब 5,000 ही वर्थ वाइल है, मतलब इतने पे ही मुझे काम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है तो वो बेचारा जो है, या लेडी है या जेंट्स है, वो मजबूर हो जाएगा कि आपकी वो 3,000 रुपीज का जो एक प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं यहाँ काम नहीं करूंगी तो मुझे जो है क्या पता कहीं और काम ना मिले, बिकॉज देर इज ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है। आप देखेंगे कि रोज सुबह अगर
कई चौराहे ऐसे होते हैं आपके आपके शहर में या बहुत आप जगह देखेंगे कि जो है मजदूर वहां पे झुंड बना के खड़े रहते हैं ग्रुप में। वो क्यों खड़े रहते हैं? हर सुबह जाके बेचारे वो वहां खड़े रहते हैं ताकि कोई आएगा उन्हें और वहां से उठाकर ले जाएगा। मान लो जिसका घर बन रहा है या उन्हें मजदूर चाहिए या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है वहां पे उनको चाहिए या कुछ और काम करवाना है, तो वो वहां पे खड़े रहते हैं ताकि उन्हें कोई आए और मतलब उन्हें बोले कि ठीक है आप चलो हमारे साथ। अब आप सोचो कि वहां पर अगर 50 लोग खड़े हैं और आप किसी मजदूर से कह रहे हो कि भैया मैं आपको 70 रुपए दिहाड़ी दूंगा, एक दिन का 70 रुपए, ठीक है 100 सपोज 70 रुपए दूंगा, तो वो जो इंसान है बोलेगा नहीं मुझे 100 रुपीज, क्योंकि 100 रुपीज ही बनता है एक दिन का काम करने का। आप मुझसे पत्थर उठवाओगे जो भी काम करोगे मैं 100 रुपीज लूंगा एक दिन का, ठीक है ना। तो वो जो दूसरा वो बोलेगा कि नहीं ठीक है आपको नहीं करना, आप मत करो 70 रुपीज में, मैं जो इतने सारे खड़े हैं 49 उनसे पूछ लेता हूँ। तो वो जो बेचारा होगा वो मजबूर होकर कहेगा नहीं ठीक है चलो 70 रुपए में मैं कर दूंगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे आज के 70 रुपए भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये इसे हम कहते हैं बिल्कुल हेल्पलेसनेस। जो आपने शायद पढ़ा होगा कि जो जब लोग गरीब होते हैं तो वो हेल्पलेस होते हैं, वो मजबूर होते हैं, उनके पास और कोई चॉइस नहीं होती, उन्हें लगता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने ये भी नहीं किया तो हमें आज की तो हमारा जो 70 रुपीज है वो भी हमारा चला जाएगा, है ना। क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत है, इतनी ज्यादा गरीबी है कि एक नहीं तो चलो दूसरा सही, है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत जैसे देशों में जहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अभी तो इसका मतलब क्या है कि ये एक मजदूर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि आप मेहनत तो वो बेचारा उतना ही करेगा लेकिन उसको 100 की जगह आप 70 रुपीज पर ही आप निपटा दे रहे हो, क्योंकि आपके उसके आपके पास चॉइस है और उसके पास चॉइस नहीं है, ठीक है। तो और इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। और आप उससे 70 रुपए में आप ये भी कहोगे कि नहीं जो 5 घंटा नहीं तुम 10 घंटा काम करके जाओ, नहीं तो हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, है ना। तो फिर मजबूर होके वो 8 की जगह 10 घंटे काम कर देगा, 2 घंटा आपके लिए एक्स्ट्रा करेगा। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन वेयर द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द इश्यू ऑफ वर्कर्स वेजेस। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्संस नॉर्मली वांट टू मेक मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन, ठीक है। अब जब कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर आप जानते हो ना क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेते हैं कि भाई हम आपका काम घर बनवाने का काम है, हम आपका काम इतने दिनों में कर देंगे, ठीक है। कि मान लो कि मैंने हम इतने मजदूर लेंगे, हम इतना सामान खरीदेंगे और मैं आपका काम पूरा घर बनवा के दे दूंगा, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो। तो ये जितने भी लोग होते हैं ये क्या इनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के ऊपर ही उनकी इनकम डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसीलिए इनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और ये प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में फिर ये गलत चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखते हैं कि हमारा कॉस्ट कटिंग कहाँ पे होगा, ठीक है। सपोज मैं कोई इंडस्ट्री लगा रही हूँ, अब उस इंडस्ट्री में मुझे कच्चा माल चाहिए, मुझे लेबर भी चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, मुझे और भी चीजें जो है इक्विपमेंट्स चाहिए। तो अब मैंने कहा कि भाई अब तभी मेरा कोई सामान बन पाएगा और फिर मैं उसको मार्केट में सेल करके प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगी। अब प्रॉफिट होता कैसे, जब आपका कॉस्ट प्राइस जो है कम हो और आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, ठीक है। मतलब जितना आपने बनाने में, अगर मान लो 10, कोई भी एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो आपने कोई चीज बनाने में 10 रुपए लगाया है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको मार्केट में बेच रहे हो तो आपको कितनी इनकम हो रही है, 20 रुपए या 15 रुपए, तब जाके आपका वो सामान प्रॉफिट में बिक रहा है। नहीं तो अगर मान लो आपने कोई चीज 10 रुपए में बनाई है, आपको उसके 8 ही रुपए मिल रहे हैं या 9 रुपए मिल रहे हैं, इसका मतलब, या फिर 10 ही रुपए मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप लॉस में जा रहे हो, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनका मेन एम क्या होता है कि जितना हम लागत लगा रहे हैं, जितना हम कच्चे माल पे या जो भी चीजों पे हम खर्च कर रहे हैं, वो बनने के बाद जब हम उसको बेचते हैं मार्केट में, जब उसको सेल करेंगे, तो हमको उसका ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। नहीं तो अगर उसी रेट में बेच देंगे उससे कम में, तो उनका जो है लॉस हो जाएगा। अब जो इसी पर्पज के लिए जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो हमारी कंपनीज होती हैं, वो क्या सोचती हैं कि हमें कॉस्ट कटिंग कर दी है, मतलब कम लागत लगाना है और ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब वो कटिंग कहाँ करते हैं, उनको सबसे जो है आसान उनका टारगेट क्या होता है, लेबर्स, कि भाई लेबर्स को कम सैलरी दो, जिससे क्या होगा कि हमारा जो पेमेंट जा रहा है लेबर्स के ऊपर वो कम हो जाएगा और जो हमारा इनपुट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे जो इनका मेन होता है कि नॉट पे द वेजेस एंड डिनाई वर्कर्स एट देयर राइट। इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस, ठीक है। तो हर प्राइवेट कंपनी ये कोशिश करती है कि हम अपने लेबर्स को या जो हमारे अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हें हम कम से कम मतलब पेमेंट पे रखें, ताकि हमारा जो है पैसा बच सके, ठीक
ठीक है, अपने प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में, लेकिन कानून की नजर में ये गलत है, ये इलीगल है। जितना भी आप, एक बंदा काम कर रहा है उसकी एक मिनिमम इनकम होनी चाहिए जो सबको देना जरूरी है। सिमिलरली टू एंश्योर दैट द वर्कर्स आर नॉट अंडर पेड मतलब कि जितना आप काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको पेमेंट नहीं मिल रही है। आप 10 घंटा काम कर रहे हो और लेकिन पेमेंट आपको बहुत ही कम मिल रही है, या फिर आपको बहुत ही आर पेड फेयरली, देर इज ए लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। ठीक है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, एक कानून बनाया है ऑन मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो बंदा काम कर रहा है उसको मिनिमम वेज तो दी ही जाए। ठीक है, जैसे अभी हमारी सरकार ने कहा है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या प्राइवेट में 18,000 रुपए से कम पेमेंट नहीं देनी है ना। तो 18,000 रुपए क्या है, मिनिमम पेमेंट है। तो सरकार ने कहा कि अगर 18,000 से कम आप अगर आप किसी को रख रहे हो किसी भी कंपनी में या किसी सरकारी उसमें, तो वो सरकार तो खैर करेगी नहीं, लेकिन प्राइवेट होते ना जो 15,000 11,000 में रखने की कोशिश करते हैं, तो इसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस लगाने के लिए कानून आया गया है कि भाई लॉ ऑन मिनिमम वेज, कि मतलब इससे नीचे कोई भी किसी को मजदूरी नहीं देगा, उसे इतना मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। और अगर एम्प्लॉयर ने ऐसा नहीं दिया तो फिर उसको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है गवर्नमेंट और पुलिस के थ्रू। अ वर्कर हैज टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर को कम से कम मिनिमम वेज तो अपने एम्प्लॉय को देना जरूर, एम्प्लॉयर मतलब जो रखता है और एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहा है अंडर में। ठीक है, तो एम्प्लॉयर को मिनिमम वेज तो देना जरूरी है। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड एवरी फ्यू ईयर। और जो मिनिमम वेज होती है वो हर साल ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें इंक्रीमेंट होता रहता है। इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ठीक है, तो जो आपके मिनिमम वेजेस से जो हमारे वर्कर्स हैं उनको फायदा होता है, प्रोटेक्ट वर्कर्स के लिए। सिमिलरली जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए भी मार्केट में लॉ है। These help ensure that the relation between these three parties, the worker, consumers and producers, in जो है इनका जो relation है वो proper तरीके से चल पाए और किसी का भी exploitation ना हो। अब next देखते हैं क्या है इसमें। बट मेयरली मेकिंग लॉ इज नॉट इनफ। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कानून तो बना दिया कि लॉ ऑन मिनिमम वेजेस, कि भाई किसी को भी प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो अपने एम्प्लॉय को इतने जो अमाउंट है मिनिमम एक जो वेजेस सबसे कम जो सैलरी है उससे नीचे वो उसे नहीं देगी, उतना तो उसको मिनिमम देना ही देना है। ठीक है, बट बहुत लोगों का ये कहना है कि सिर्फ बोलने से नहीं होता, सिर्फ कानून बनाने से नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है, दैट इज एनफोर्स करना। दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी एनफोर्स्ड। सरकार को सिर्फ कानून बना के छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें ये देखना भी चाहिए कि भाई क्या जो हमने कानून बनाया है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं है, लोग उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार सरकार तो बना देती है और जो बेचारे वर्कर्स हैं या जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, जब जाते हैं कहीं भी तो उसको फॉलो नहीं करते, मतलब जो कंपनीज होती है वो उसको फॉलो नहीं करती है, या जो एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपको मान लो आप किस कहीं नौकरी करने के लिए गए, ठीक है ना, वो कहेगा आपसे, नहीं हम आपको तो 15,000 ही देंगे, हम आपको 18,000 ही देंगे, आपको करना है तो आप करो, नहीं तो मत करो। ठीक है ना, तो अब जो गया है नौकरी के लिए वो सोचे यार कि अब 15,000 में कर लेते, नहीं तो जो मिल रहा है वो भी चला जाएगा, है ना, कि अब 18,000 गवर्नमेंट ने कहा हुआ है लेकिन अगर मैंने इसको मना किया तो ये 15,000 भी मेरे चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है उसका तो 2,000 का बेनिफिट हो गया और जो बेचारा काम करने गया है उसका 2,000 का लॉस हो गया, लेकिन वो जाके ना पुलिस को बोलता है ना वो गवर्नमेंट को बोलता है। क्यों? क्योंकि जितना वो सोचता है कि जितना तो मैं बोलूंगा, जितना कंप्लेन करूंगा उतना तो मेरा यहाँ पे नौकरी भी नहीं मिलेगी मेरे को और मेरा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इस चीज का बेनिफिट लेके क्या होता है कि जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को हायर कर लेती हैं, और जो बेचारे एम्प्लॉयज होते हैं क्योंकि इतना ज्यादा मारा मारी है नौकरी को लेके कि वो कहीं जाके शिकायत भी नहीं करते हैं और वो कम सैलरी में ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो होता है ना कि अपने आप नहीं बोलना, कोई और भले ही बोल दे उनके बिहाव पर लेकिन वो अपने आप नहीं बोल पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ जो कानून बनाए ना उसको इम्प्लीमेंट भी करे। ठीक है, That law must be enforced. वो time to time check करे कि क्या companies इसका पालन कर रही कि नहीं कर रही है, उनसे paper मंगाए, उनसे document मंगाए, ठीक है, और investigation करे time to time चुपके से, क्या सबको salary जो है government norms के हिसाब से मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, through making, enforcing and upholding these law, the government can control the activities of the individuals or private companies
सो टू एज टू एंश्योर सोशल जस्टिस। तो अगर सरकार जो है चुपके से या मतलब किसी भी तरीके से ये जो प्राइवेट कंपनीज है इनके ऊपर नजर रखेगी और ये एंश्योर करेगी कि जो लॉस है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं, तो इससे समाज में सोशल जस्टिस जो है वो प्रिवेल हो जाएगा और किसी के साथ भी जो है वो गलत नहीं होगा। मेनी ऑफ दीज लॉज have their basis in the fundamental right. In fact, ये सारी चीजें fundamental right में दी गई हैं. For instance, the right against exploitation. ठीक है, आपको पता है कि हमारे fundamental right में एक right है, right against exploitation, जो हमारे संविधान में दिया हुआ, उसमें कहा गया है कि no one can be forced to work for low wages or under bondage. ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति से हम कम तनख्वाह पे काम नहीं करा सकते और ना ही उसको हम बंधुआ मजदूरी करा सकते कि मतलब उसे हम काम कराते रहे और उसके बदले हम उसको कोई पैसा ना दे। या फिर नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस, या किसी भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में किसी भी 14 साल से कम बच्चे को रोजगार ना दिया जाए। ठीक है, तो ये सारा जो आपने पढ़ा राइट, ये सब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा है और इसी का पालन जो है करते हुए हमारी गवर्नमेंट जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कानून बनाती रहती है। नाउ हाउ आर दीज लॉज प्लेड आउट इन प्रैक्टिस, टू व्हाट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न ऑफ सोशल जस्टिस, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट दिस चैप्टर विल नाउ गो ऑन टू एक्सप्लोर। ठीक है, तो अब हमारे संविधान में भी दिया हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, सरकार ने मिनिमम वेजेस का कानून भी बना रखा है, लेकिन क्या ये चीजें एक्चुअली फॉलो होती भी है या नहीं होती? क्योंकि अगर आप जगह जगह आप जाके देखोगे तो आप किसी ना किसी रेस्टोरेंट में, किसी ना किसी ढाबे पर, किसी ना घर में आप देखोगे कि 14 साल के बच्चे काम करते ही करते हैं। ठीक है, और अगर आप उनकी फैमिली से बोलोगे तो वो क्या कहेंगे कि सरकार को बोले बोले तो हमारे घर में इतनी गरीबी है कि अगर हमारा बच्चा काम नहीं करेगा तो हमारा तो रोजी रोटी नहीं चलेगी, है ना। तो वहां पे पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद ही जो है बच्चों को भेज रहे हैं, तो आप उसमें आप क्या कर सकते हो? उसमें पेरेंट्स आपको कि कैसे पेरेंट्स हैं, लेकिन जब आदमी भूखे मर रहा है तब तो वो मजदूरी में अपने मजबूरी में अपने बच्चों को भेजे गई ना, या तो मर ही जाए भूखे, तो उस केस में जो है फिर हम किसी को दोष नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को फिर पूरा पॉवर्टी वाला जो सिनेरियो है इसको चेंज करने पे ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ये आपकी भोपाल आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे क्या होता है आज से 24 साल पहले, मतलब अभी तो और साल हो गए होंगे, 24 साल पहले यहाँ पे क्या होता है, एक यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड। ठीक है, ये एक अमेरिकन कंपनी थी और इसने इसका मेन काम क्या था, पेस्टिसाइड बनाना। पेस्टिसाइड मतलब जो आप देखते हो खेतों में जो वो दवाई कीटनाशक डालते हैं ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाए। ठीक है, तो ये पेस्टिसाइड बनाना इसका काम था, ये थी अमेरिकन कंपनी। एट मिडनाइट ऑन 2 दिसंबर 1984, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 1984 2 दिसंबर को इसमें आग लग गई। ठीक है, स्टार्ट आग नहीं लगी मतलब जो जिसमें ये बनता था, जो कंटेनर्स थे जिसमें ये पेस्टिसाइड बनाया जाता था उसमें से लीकेज स्टार्ट हो गया, मतलब इसमें से गैस निकलने लगी, पॉइजन मिथाइल आइसोसियनाइट, देखो MIC, मिथाइल आइसोसियनाइट नाम की जो गैस थी, पॉइजन गैस, बहुत जहरीली गैस होती है, वो उसमें से लीक होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसमें जो लोग भी काम करते थे वो चीजें मतलब तुरंत उन्होंने अपना बताया कि देखो इसमें लिया ना, एक अजीजा सुल्तान नाम की सर्वाइवर है, 12:30 बजे जब वो उठी है तो उसको बहुत तेज खांसी आने लग गई। ठीक है ना, दैट रूम वॉज फिल्ड अ वाइट क्लाउड, आई हर्ड पीपल शॉटिंग रन रन, देन आई स्टार्टेड कफिंग विद ईच ब्रेथ सीमिंग एज इफ आई वॉज ब्रीदिंग इन फायर, माई आईज वर बर्निंग। ठीक है, मतलब आंखें जल रही थी और गले में बिल्कुल वो जा रहा था। इसमें क्या था, विद इन 3 डेज मोर देन 8,000 पीपल वर डेड, 8,000 लोग इसमें मारे गए थे। मतलब सोचो क्योंकि इसमें कोई आग तो लगी नहीं थी, लेकिन जो गैस थी ना वो सिर्फ उस कंपनी में ही नहीं, पूरे आसपास के एरियाज में, पूरे भोपाल में ही गैस फैल गई थी, और जो लोग मतलब काम भी नहीं करते थे उनके अंदर भी गैस चली गई थी, और इससे मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ कि मतलब 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए और काफी ज्यादा इस केस के ऊपर बवाला हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सब लोगों ने मतलब काफी सब किया कि जो मतलब से वहां की जो जमीनें थी वो बंजर हो गई क्योंकि वो गैस मिट्टी में चली गई, प्लांट्स थे वो काफी नुकसान पहुंचा, खेती बाड़ी पे काफी नुकसान पहुंचा, तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी। तो अब इस ये जो ट्रेजेडी हुई थी बहुत ही भयंकर ट्रेजेडी थी, अब इसका जो है इससे पता चलता है कि हमारे जो इंडिया के मजदूर है उनकी क्या मतलब हैसियत है, उनकी क्या मतलब वैल्यू है, वॉट इज ए वर्कर्स वर्थ, वर्थ मतलब वैल्यू, एक जो इंडियन मजदूर है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है ना, और क्यों नहीं है वो भी आपको पता है, क्योंकि हमारे देश में मजदूरों की कमी नहीं है, गरीब लोगों की कमी नहीं है,
सबको पता है अगर एक मरेगा तो उसकी जगह 10 और आ जाएंगे काम करने के लिए। इसीलिए जो कंपनीज हैं, स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीज हैं, अभी तो बहुत सिचुएशन चेंज हो गई है, लेकिन अगर हम उस टाइम की बात करें तो हम देखते हैं क्या हुआ था। वन रीजन वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर। विदेशी कंपनीज जब भी भारत में आती है, अपना प्लांट सेटअप करती है, तो उनका मेन रीजन क्या होता है कि यहाँ पे सस्ते में श्रमिक मिल जाते हैं, लेबर मिल जाते हैं, ठीक है। और वेजेस दैट द कंपनीज पे टू वर्कर्स इन द यूएसए, जो कंपनीज यूरोपियन कंपनीज में, कंट्रीज में या यूएसए में अपने मजदूरों को पे करती हैं, उसका बहुत ही कम मतलब पेमेंट यहाँ पे इंडिया में मजदूरों को किया जाता है। आपको पता है यूएसए में और यूरोपियन कंपनीज में जो लॉज है वो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते हैं, ठीक है। वहां पे तो बस दिया हुआ है कि इतना मजदूरी है, अगर आपने उसको उससे कम दिया तो तुरंत आपके ऊपर केस हो जाएगा कि आपने भाई अपने घर की नौकरानी को या फिर आपने अपने कंपनी में काम करने वाले आदमी को इतना कम सैलरी को दी है। तो वहां पे जो है लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वहां पे इतनी गरीबी तो है नहीं, ठीक है ना। तो जो काम करने एम्प्लॉय जाता है तो वो भी जाके कंप्लेन कर देता है कि हमें तो इतना कम काम पैसे दिए जा रहे हैं, तो क्योंकि उसको आसानी से दूसरा काम मिल जाता है। लेकिन इंडिया में केस क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोग रिस्क लेकर भी काम करने के लिए तैयार है। उन्हें पता है कि हमें कम सैलरी दी जा रही है, उन्हें पता है कि इस फैक्ट्री में जो है कुछ गड़बड़ी है काम करने का। ये जैसे कि बहुत ही हजारडस सिचुएशन है, जैसे आपने एक बार दिल्ली का केस देखा था कि वहां पे एक छोटे से कमरे में वो लोग कहीं कुछ क्या गद्दा बना रहे थे कि रजाई बनाने वाला काम कर रहे, एक छोटे ही कमरे में कम से कम 30-35 लोग काम कर रहे थे, ठीक है। अब उसमें अचानक से आग लग गई, अब उसमें मैक्सिमम लोग मारे गए, क्योंकि वहां पे वो इतनी तंग गलियों में वो रूम था कि वहां से कोई निकल ही नहीं पाया, ठीक है। चांदनी चौक का जो एरिया था, तो ये सब उन लोगों को नहीं पता था, उन लोगों को पता था सब, लेकिन क्योंकि इतनी गरीबी है कि इंसान जो है अपनी लाइफ को भी रिस्क करके काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जगह दूसरा गरीब बैठा हुआ वो ये काम कर लेगा। तो यही चीज सेम सिचुएशन का फायदा इस कंपनी ने भी उठाया। उसने देखा कि यहाँ पे भैया जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोग जो है कम सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो उन्होंने जो है यहाँ पे अपना प्लांट बना लिया, यूनियन कार्बाइड नाम से, अमेरिकन कंपनी थी। फॉर लोअर पे कंपनीज गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, और कम पैसे में वो मजदूरों से ज्यादा समय तक भी काम करवा लेते हैं, ये भी एक बेनिफिट है, ठीक है। पैसा भी कम दो, ऊपर से लंबे समय तक काम भी करवा लो। देन एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज भी देने की जरूरत नहीं है इनको, जो झुग्गी झोपड़ियों में इंडिया के जो बेचारे मजदूर हैं वो रह जाते हैं। दिस कंपनी कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट। इससे क्या हुआ, ये जो कंपनी थी इसने अपना कॉस्ट काफी कम कर लिया और इसकी जो प्रॉफिट थी वो ज्यादा हुई थी, ठीक है। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स। अब इस कंपनी ने कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग इसमें मेन फैक्टर है। कॉस्ट कटिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि कंपनी का जो है इनपुट बनाने का जो खर्चा होता है, इनपुट कॉस्ट होता है, वो सबसे वो कम रखना चाहते हैं। इस पर्पज के लिए वो और खतरनाक तरीके अपनाते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वेज ऑफ कटिंग कॉस्ट। मतलब यहाँ पे अगर आप अमेरिका में जाओगे ना तो वहां पे हर कंपनी का स्ट्रिक्ट नॉर्म होता है कि भाई आपके अपने जो वर्कर्स हैं उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देनी है कि अगर कोई भी मान लो प्रॉब्लम होती है तो वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, या फिर आपको जो है ये चीजें एम्प्लॉय करनी है, ये आपका 6-1 साल तक ही बस आपको ये मशीन यूज करनी है, उसके बाद जैसी खराब होती है आपको अपनी मशीन रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे जो नॉर्म्स है आपके अमेरिका में है और वहां के लोग उसको फॉलो भी करते हैं क्योंकि वहां की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, लेकिन इंडिया में इन चीजों को अनदेखा किया गया। यहाँ पे इनको पता था कि जिस बर्तन में या जो आपका वेसल है ना, जिसमें ये पेस्टिसाइड बन रहा है वो बहुत ही पुराना हो चुका है और वो कभी भी उसमें कुछ लीकेज हो सकता है, ये चीज उनको पता थी। लेकिन पैसे ना खर्च हो इसलिए उन्होंने नया जो है वेसल नहीं मंगवाया और उसी पुराने वेसल में ही वो काम करते रहे ताकि उनका कॉस्ट ना बढ़ जाए, ठीक है। तो वही उसका नतीजा क्या हुआ कि कुछ समय बाद जो है, और इन्होंने क्या किया था, अपने वर्कर्स जो मजदूर बेचारे काम करते थे उनको 6 महीने की ट्रेनिंग से हटा के सिर्फ 15 दिन में ही ट्रेन कर दिया कि भाई आपको जो है इतने समय में ही आपको ट्रेनिंग देनी है कि कैसे अपने आपको सुरक्षित किया जाए। तो ये सब क्या था, उन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग की थी इंडिया में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। व्हाई आर देयर सच शार्प डिफरेंसेस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड में काफी प्रॉब्लम, मतलब इन्होंने आनाकानी की थी। अपने देश में अलग सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करते थे और इंडिया में अलग फॉलो करते थे, इसकी वजह से क्या हुआ, ये ट्रेजेडी हो गई और इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए, ठीक है। तो अभी आपका टाइम हो चुका है, तो अब जितना बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू क्लास। आपको मेरी आवाज आ रही थी? यस मैम। ओके थैंक यू। अब जितना बचा हुआ मैं आपको, हाँ उसका मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगी, ठीक है, क्योंकि हमें चैप्टर फिनिश करना है। एंड देन जो बाकी हिस्ट्री की चैप्टर्स है उसकी भी मैं वीडियो सेंड कर दूंगी, और जो आपका रिटर्न वर्क है आपने हिस्ट्री का शायद देख लिया होगा, ठीक है,
और फिर हमारा जो सिविक्स का चैप्टर है वो आज ये लास्ट चैप्टर था वो फिनिश ही हो गया है। बाकी आज ही मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूंगी, आपको जो बचे हुए टॉपिक्स है एक दो उसकी वीडियो दे दूंगी। तो ये आपको पूरा सिविक्स खत्म होता है, ज्योग्राफी आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और आपका जो हिस्ट्री है हिस्ट्री में जो चैप्टर्स बचे हैं उनकी मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी, क्योंकि अगली क्लास तक टाइम है तो तब तक आपका काम हो जाएगा। ओके थैंक यू क्लास, तो आप चेक कर लीजिएगा गूगल क्लासरूम, यानी कि आप छोड़ दें। ओके थैंक यू। अब ओके बेटा, जो पीसीआरए वाला जो एक क्विज हो रहा है ना उसको भी जरूर अटेम्प्ट करो आप लोग, और दूसरे बच्चों को भी बता दो। ठीक है, थैंक यू। ओके।